नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम समस्या कि जैसे कि खाना खाने के बाद में पेट का फूल जाना, जिसको हम साधारण भाषा में अफारा कह सकते हैं, कि कई बार होता है कि जैसे खाना खाते ही पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। और ये अपने आप में वैसे तो ये कोई रोग नहीं है, ये जैसे अग्नि किसी की मंद हो गई हो, अग्नि मंद हो गई हो, या फिर खाना अच्छे से पचता नहीं है, किसी को कब्ज की शिकायत रहती हो और भूख अच्छी प्रकार से नहीं लगती और गैस बहुत ज्यादा बनती हो, तो इन सभी समस्याओं के कारण क्या होता है कि हमारा पेट फूल जाता है। और फिर जैसे गैस किसी को ज्यादा बनने लग जाती है तो उसके बाद में जगह जगह पूरे शरीर में दर्द भी होने लगता है। यह भी एक गैस की ही समस्या है, यह भी एक वात का रोग है। जैसे किसी को घुटनों में दर्द हो जाता है, किसी के सिर में दर्द रहने लगता है, माइग्रेन रहने लग जाता है परमानेंट, कमर में दर्द रहने लग जाता है। तो ये सभी समस्याएं जो है जो वात रोग की में आती हैं। तो गैस के कारण भी ये सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है, हो सकती हैं। तो इसको हम एक घरेलू उपाय से हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे इसका समाधान हम कर सकते हैं, कि जब मान लो जो औषधि हमारे घर में ही हो और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो ऐसी कुछ औषधियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इन औषधियों का सेवन अच्छे से करिए और फिर जो रिजल्ट मिलता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी औषधियां हमारे घर में हैं जिनका सेवन करके हम इन नॉर्मल जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, जिससे हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है इसमें अदरक, प्याज और लहसुन। अदरक, प्याज और लहसुन, इन तीनों का रस निकाल लीजिए, एक एक चम्मच रस, तीनों का रस ले लीजिए और इसमें 3 चम्मच हो गए और 3 चम्मच इसमें शहद मिलाकर भोजन से पहले आप इसको लीजिए, तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। दूसरा फिर हम ले सकते हैं कि अदरक, नींबू और शहद, इन तीनों को ले सकते हैं हम बराबर मात्रा में मिलाकर। जैसे अदरक ले लिया, नींबू ले लिया और इन दोनों के बराबर मात्रा में ही जो शहद है उसको लेने, दिन में 2-3 बार आप इसको ले सकते हैं, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। और साथ में एक आप कर सकते हो, जैसे 2-3 जो छोटी हरड़ होती है, काली हरड़, उसको यदि आप चूसेंगे, ठीक है, उसको मुंह में लेकर चूसना है, तो उससे भी आपके गैस बनना, फरा बनना ये ठीक हो जाता है। तीसरा है जैसे पिसी हुई जो काली मिर्च है, 2 ग्राम जैसे पिसी हुई काली मिर्च लेकर उसको जैसे फांक करके और ऊपर से नींबू का रस आपको पीना, नींबू का रस गर्म जल में मिला करके, ठीक है, और उसको आपको पीना है। जैसे पिसी हुई काली मिर्च को फांक करके ऊपर से नींबू का रस गर्म जल में मिलाया वो आपको पीना है। 10-15 दिनों तक यदि आप इसको लोगे तो इससे आपकी गैस बनना बंद हो जाती है, तो इससे भी आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। और एक और है जो, यदि हो सकता है ये आपके घर में ये औषधियां नए मिले तो ये आपको पंसारी के पास में मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहां से लेकर भी आप इसका वो चूर्ण बना सकते हैं। इसमें है वत्स आपको लेना है, दूसरा है हरड़, तीसरा है चित्रक मूल, चौथा है जवाखार, पांचवा है पीपल और चटा है अतीस। 6 चीजें हमने आपको बताई हैं, वत्स, हरड़, चित्रक मूल, जवाखार, पीपल और अतीस, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के आपको चूर्ण बना लेना है और इस फिर इसको गुनगुने जल के साथ में इसको रोज सेवन करना है। तो इसका सेवन यदि आप प्रतिदिन करोगे तो उससे भी आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो और भी बहुत सारे जो पेटेंट औषधियां भी इसकी आती है, गैस बनने की, अफारा की, इत्यादि की पेटेंट औषधियां भी आती हैं, वो भी आप लोग ले सकते हो किसी अच्छे चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक की मदद से के पास जाकर, वो औषधियां भी आप, उनका सेवन भी आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ प्रयोग थे जो हम घर पर रहकर ही इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप को इन बीमारियों से, छोटी मोटी बीमारियों से अपने आप को बिना डॉक्टर की मदद से, बिना पैसे खर्च किए हुए अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो ये सारी चीज़ें आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।